देखिए दोस्तों, DSLR वर्सेस मिररलेस, ये दोनों जो टॉपिक है आजकल बहुत ट्रेंडिंग हो रहा है, क्योंकि मिररलेस कैमरा का ऑप्शंस है अभी बहुत ही बढ़ गया है मार्केट में। तो ऐसे में मिररलेस कैमरा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा स्विच कर रहे हैं फ्रॉम DSLR कैमरा। तो ऐसे में आपको कौन सा लेना है, DSLR लेने से क्या फ़ायदा मिलता है, मिररलेस कैमरास लेने से क्या फ़ायदा मिलता है, तो ये सारा चीज़ मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, कुछ इंटरेस्टिंग बिट्स भी मैं एंड में बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले जानते हैं कि मिररलेस जो है वो ट्रेंड क्यों कर रहा है। देखिए, सबसे पहला रीज़न ये है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो फोटोग्राफी में एंटर हो चुके हैं। जैसे कि आपको पता है, आप भी होंगे उसमें इंटरेस्ट, बहुत सारा इंटरेस्ट रहेगा कि मैं भी, यार मेरा भी इमेजिनेशन अच्छा है, मैं भी कुछ ना कुछ अच्छा पिक्चर्स डेली क्लिक करूं एक अलग एंगल, अलग क्रिएटिविटी में। तो एक क्रिएटिविटी का लेवल जो है वो नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए फोटोग्राफी एक सबसे बड़ा और सबसे बेटर आई थिंक एक आर्ट है। तो ऐसे में ज़्यादा लोग अभी फोटोग्राफी में एंटर हो रहे हैं, तो कैमरा चाहिए। तो कैमरा में क्या कर रहे हैं आजकल, मिररलेस ऑप्शन ज़्यादा देख रहे हैं। तो यहाँ पर मिररलेस चॉइस इसलिए क्योंकि एक तो कॉम्पैक्ट है, वो आपको पता ही होगा, लाइट वेट एंड कॉम्पैक्ट, मतलब कि अगर आप पकड़ के कहीं कुछ स्ट्रीट फोटोग्राफी अगर कर रहे हैं आप, तो समझिए कहीं सेंसिटिव एरियाज रहता है कहीं सारा, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप दूसरों को परेशानी नहीं देना चाहते हैं, फिर भी क्लिक करना चाहते हैं, एक अच्छा सब्जेक्ट मिल रहा है, तो ऐसे में आपको मिररलेस कैमरा पकड़ कर अगर क्लिक करेंगे तो आपको इतना भी नोटिस नहीं कर पाएंगे जो जिसके सब्जेक्ट आप क्लिक करना चाह रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है, एक डिस्क्रीट जो लोग कहते हैं हम, तो डिस्क्रीटली आप क्लिक कर सकते हैं पिक्चर को। अगर आप DSLR कैमरा को पकड़ कर आप जाएंगे तो कैसा लगेगा, अरे यार ये मेरा खींच क्यों रहा है फोटो, तो ऐसे कुछ लगेगा ना दूसरे लोगों को। तो ऐसे है, अगर आप डिस्क्रीटली क्लिक करना चाहते हैं पिक्चर, तो मिररलेस इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि वेरी कॉम्पैक्ट, लाइट वेट एंड वेरी क्यूट लुकिंग भी रहता है। तो ये एक फीचर है उसका। एंड द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ मिररलेस कैमरा, जैसे हमारे स्मार्टफोन्स रहता है, तो मोबाइल से हम कैमरा ओपन करके क्लिक कैसे करते हैं पिक्चर, सिमिलरली आपको मिररलेस कैमरा में इंटरफेस रहता है। मतलब कि व्यू फाइंडर से अगर आप देख कर कैप्चर कर रहे हैं तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा जैसे आप अपने स्मार्टफोन से क्लिक करते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा फ़ायदा है मिररलेस कैमरा का। तो ऐसे में ज़्यादा लोग इसीलिए स्विच कर रहे हैं क्योंकि देखिए, अभी मैंने मिररलेस कैमरा लिया तो ऐसे मैं पकड़ा, तो यहाँ पर जो भी डायल्स, जो भी चीज़ रहता है, वो सेटिंग्स चेंज किया, तो वहाँ बिल्कुल दिखाई देता है मुझे व्यू फाइंडर पर कि कैसे पिक्चर आने वाला है क्लिक करने से पहले ही। तो ऐसे में क्या होता है, मुझे जैसे सेटिंग चाहिए वैसे फटाफट चेंज करके मैं क्लिक कर दिया तो वो पिक्चर मुझे ज़रूर मिल जाएगा, एंड आपको पता चलेगा कि हाँ यार मैंने अच्छा ही क्लिक किया है पिक्चर। लेकिन DSLR में वैसा नहीं रहता है क्योंकि वहाँ पर जो है मिरर रहता है, मतलब कि ऑप्टिकल व्यू फाइंडर जो कहते हैं, लाइट पास होने से कैसे हमको मिरर पर दिखता है वहाँ पर। तो बेसिकली आप जो भी एक्सपोजर का हो या फिर ISO का हो, शटर स्पीड का हो, जो भी सेटिंग्स चेंज करते हैं, वो इंस्टेंटली आपको दिखाई नहीं देगा अनलेस और अंटिल यू आर इन लाइव व्यू मोड, जो स्क्रीन पर व्यू रहता है। तो अगर वो नहीं, आप व्यू फाइंडर यूज़ कर रहे हैं DSLR पर, वहाँ पर आपको एक्चुअल का इमेज नहीं बताएगा, तो क्लिक करने के बाद ही आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई देगा कि कैसे पिक्चर आया है। तो ये एक एक्चुअली ये क्या है, ये एक एडवांटेज है, क्योंकि फोटोग्राफी आर्ट इसी में है एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर आपको टेस्ट जो है, हम फोटोग्राफी का टेस्ट कहते हैं, मतलब कि सारा चीज़ जानना है फोटोग्राफी के रिलेटेड, तो ये असल में आपको DSLR में मिलता है, ना कि मिररलेस में। अगर आप सोच रहे हैं कि अरे यार मुझे झट से काम होना चाहिए बस, वैसे में DSLR अच्छा है या मिररलेस, तो आई वुड से मिररलेस ले लो आप। मिररलेस लेंगे तो जैसे पकड़ेंगे, तो जैसे आप सेटिंग्स चेंज करेंगे, वैसे आपको दिख जाएगा कि कैसे फ़ोटो आने वाला है, तो क्लिक कर दीजिए, फ़ोटो आ गया आपका, तो इतना आसानी से काम होता है। तो ऐसे में DSLR ऑप्शन आपको बेटर नहीं होगा। DSLR अगर आप ले रहे हैं तो यहाँ पर आपको फोटोग्राफी आर्ट के तौर पर ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए, मतलब कि सीखने के लिए ज़्यादा इंटरेस्ट रहना चाहिए, इमेजिनेशन जो रहता है, मतलब कि असल में ब्रेन को, जो दिमाग को काम देते हैं, वो DSLR कैमरा में आपको मिलता है, ना कि मिररलेस कैमरा में। तो इसके वजह से DSLR ट्रेडिशनल वे है, DSLR जल्दी से ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ज़्यादा लोग DSLR प्रेफर करते हैं, एक ट्रेडिशनल लुक, एक बहुत बड़ा जो ग्रिप रहता है अच्छी तरह से पकड़ के, जो एक व्यू फाइंडर पर देखकर आप इमेजिन करके कॉम्पोजिशन बनाकर, तो इतने सारे चीज़ को एस्पेक्ट में लेकर अगर आप DSLR से क्लिक करोगे ना, तो बहुत ही हैप्पी रहेंगे कि हाँ यार मैंने कुछ ना कुछ सीखा है आज, तो ऐसे मैंने कॉम्पोजिशन करके फ्रेमिंग बनाकर एक अच्छा पिक्चर लिया है। तो इसका टेस्ट अलग होता है एज़ कम्पेयर टू मिररलेस। तो और एक चीज़ मिररलेस कैमरा में जो डिसएडवांटेज है वो है बैटरी।
आजकल के मिररलेस कैमरास तो बैटरी ऑफ कोर्स इम्प्रूवड ही है, लेकिन फिर भी एज़ कम्पेयर टू DSLR कैमरा बैटरी बैकअप जो है वो बहुत ही कम है मिररलेस कैमरा में। तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है। अगर आप मिररलेस ले रहे हैं तो एक 2 to 3 बैटरी स्पेयर में रखेंगे तो कोई बात नहीं। एंड वैसे मैं कुछ मिररलेस ऑप्शन जैसे कि सोनी का हो USB चार्ज से ही चार्ज हो जाता है, मतलब कि आप पावर बैंक से भी चार्ज कर सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ईजी एंड बेस्ट ऑप्शन रहेगा झट से झट काम होने के लिए। एक ट्रेडिशनल लुक ही आपको DSLR देता है, ये एक मॉडर्न मतलब क्विक काम होने के लिए आपको मिररलेस ऑप्शन देता है। तो इसके अलावा और क्या कुछ है? लेंस ऑप्शन, देखिए DSLR कोई भी ब्रांड का हो, अगर लेट्स से आप कैनन का ले रहे हैं तो ऑब्वियसली लेंस का ऑप्शन जो है वो बहुत ही बढ़िया लेंस ऑप्शन है वहाँ पर, एंड क्वालिटी ग्लासेस मिलते हैं। तो एक सिस्टम पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब कि एक बार आपने बॉडी ले लिया कोई भी ब्रांड का, तो उसके साथ अटैच करने के लिए लेंस कौन सा है, कैसा है और आपका वर्क क्या है। लेट्स से कि आप पोर्ट्रेट्स ज़्यादा लेते हैं, तो पोर्ट्रेट्स में यूजुअली क्या करते हैं, एक तो 100 to 200 mm का लेंस लेते हैं फोकल लेंथ का, या फिर 85 mm या फिर इवन 50 mm का, जो ज़्यादा अपर्चर f2.8 f1.8 1.4 ऐसे अपर्चर वाला अगर लेकर आप पोर्ट्रेट्स क्लिक करेंगे, तो ऐसे में आपको देखना है कि ऐसे लेंस के लिए कौन सा बॉडी सूटेबल है, तो वो वाला सिस्टम में आप ज़्यादातर स्पेंड कर सकते हैं। इसका मैं अलग से वीडियो बनाकर बताऊंगा कि दी बेस्ट ऑप्शंस फॉर डिफरेंट कैटेगरीज कौन सा है, कैमरास मिररलेस एज वेल एज DSLRs। तो अगर आपको ये चाहिए तो हिट दैट लाइक बटन एंड मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं DSLR में क्या फ़ायदा है मिररलेस कैमरा में, जैसे कि मैंने इतने सारे पॉइंट्स बताए आपको। तो और एक चीज़ क्या है मिररलेस कैमरा में, आपको ज़्यादा डायल्स आजकल तो है यूजुअली फ्यूजी फिल्म का जो है अभी फेमस हो रहा है, XT30 XT3 इनका जो लोअर बजट मॉडल्स है इतना भी खास नहीं, लेकिन फ्यूजी फिल्म इसलिए फेमस हुआ है क्योंकि उनका जो कलर साइंस है, कलर ऑप्शंस है वहाँ पर, फिल्म सिमुलेशन जो कहते हैं, वो बहुत ही बढ़िया है। पुराने ज़माने में जो यहाँ पर रोल्स है हम जो कैप्चर करते थे फिल्म रोल डालकर, तो वहाँ पर फ्यूजी का जो है अलग अलग कलर का रोल मिलता था। तो वैसे अगर आप वो वाला रोल डालकर क्लिक करेंगे तो एक पर्टिकुलर डिफरेंट लुक ही आता था इमेज में, तो कॉमन लोग देखकर वाव ऐसा कैसे इसमें क्लिक किया है कि अच्छा इतना अच्छा कलर आया है, तो ऐसे सोचते थे पहले। तो वहीं कलर सिमुलेशन डिजिटल में अभी लाया है, तो इतना भी इजी नहीं इम्प्लीमेंट करना, लेकिन फ्यूजी ने अभी इम्प्लीमेंट करके बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाया है, तो इसके वजह से पॉपुलर हो रहा है विच इज़ रियली नाइस। तो उसमें XT30 या फिर XT3 आप देख सकते हैं, या फिर XH1 का है वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे ऑप्शंस आप कंसिडर कीजिए अगर लेना चाह रहे हैं। यहाँ पर सोनी भी बहुत ही शार्प एंड रियली नाइस लुकिंग इमेजेस आपको दे रहा है आजकल विथ आई डिटेक्शन ऑटो फोकस, वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे में ये 6400 अल्फा रेंज जो है सीरीज़, ये 65 A6600 ये बहुत बढ़िया है। अदरवाइज़ अगर आप प्रोफेशनल बॉडीज देखना चाहते हैं मोर देन 1 lakh, तो यहाँ पर आपको अल्फ़ा 7 सीरीज़ का जो है वो मिल जाता है, या फिर इवन अल्फ़ा 9 कहिए, A9 वो भी बहुत ही बढ़िया है। तो ऐसे देकर आप स्पेंड कीजिए कि पहले अपना बजट फिक्स करना है, उसके बाद सोचिए कि कैसे क्या काम कर रहे हैं आप, तो वो डिमांड क्या है आपका, उसके अनुसार आप बाई कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सजेस्ट करूँगा अगर आप बिगिनर्स हैं तो डेफिनेटली, मतलब कि अभी आप फर्स्ट टाइम DSLR को या मिररलेस में एंटर करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट आप डेफिनेटली DSLR कैमरा को बाई कीजिए। लेट्स से निकॉन की तरफ से अगर फोटोस ज़्यादा लेते हैं तो निकॉन, अगर आप वीडियो एज वेल एज फोटो बनाते हैं तो गो फॉर कैनन। तो ये दोनों ही ब्रांड में आप स्टिक कीजिए, दूसरे ब्रांड्स पर मत जाइए। तो अभी क्योंकि बिगिनर है आप, तो एटलीस्ट 6 months 1 year तक आप सीखिए कि क्या कुछ डायल्स रहता है, कैसे ISO वर्क करता है, शटर स्पीड क्या है, अपर्चर कैसे चेंज करें, इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है, एक्सपोजर ब्रैकेटिंग क्या होता है, HDR कैसे कैप्चर करते हैं, ये सारा चीज़ ट्यूटोरियल्स मैं अपने चैनल में ऑलरेडी दे चुका हूँ, आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ से सीख सकते हैं क्लिक करके वीडियो देखकर। तो ऐसे आप पहले सीखने के बाद देन यू कैन स्पेंड ऑन कॉस्टलियर बॉडीज, मिररलेस हो या फिर DSLR, तब आपको नॉलेज तो ज़रूर रहेगा कि क्या कुछ करने से क्या हो रहा है, तो ऐसे में तब आप स्पेंड कर सकते हैं। तो अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल है तो अभी आप कन्फ्यूजन में है कि DSLR लेना है या फिर मिररलेस, आई वुड से कि आपका काम अगर झट से झट होना चाहिए तो डेफिनेटली गो फॉर मिररलेस कैमरा, बहुत ही फास्ट बहुत ही ईजी इंटरफेस रहता है, एंड सबसे अच्छा सबसे ईजी वाला जो बात है वो जैसे आप देखते हैं वैसे पिक्चर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर झंझट ज़्यादा नहीं रहता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको क्लियर कर दिया होगा, क्योंकि इसके रिलेटेड बहुत सारा चीज़ हम डिस्कस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टाइम जो है वो टाइम कॉन्स्टेंट है,
तो इसके वजह से ज़्यादा लंबा होगा वीडियो ऐसे मैं बात करते जाऊँ तो लेट से अगर आप इंटरेस्ट दिखाते हैं तो पार्ट टू वीडियो भी करता हूँ। तो होपफुली आपको एक क्लैरिटी मिला होगा कि DSLR आपको लेना है या फिर मिररलेस। तो हिट दैट लाइक बटन, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अपने भी जो मन में जैसे कि कमेंट्स रहता है या फिर कन्फ्यूजन रहता है वो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, मैं उसका सॉल्यूशन देने के लिए ट्राई करता हूँ। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।